सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसीशन मेकिंग इन स्टेटमेंट। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग एक ऐसा स्टेटमेंट सीखेंगे जिस स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम क्या करेगा, डिसीशन ले सकेगा। डिसीजन मतलब मान लीजिए दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है हम लोग को निकालना है, तो इसमें क्या होगा, प्रोग्राम को डिसीजन लेना पड़ेगा, आइदर फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट और सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट। तो अगर ऐसा टाइप का कुछ कंडीशन होता है जहां में हम लोग का जो प्रोग्राम है प्रोग्राम को डिसीजन लेना पड़ेगा, उस जगह में हम लोग इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन इफ स्टेटमेंट बहुत ही अलग अलग टाइप का होता है। इन एनी प्रोग्रामिंग इफ स्टेटमेंट कैन बी फोर टाइप। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट चार प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज सिंपल इफ। सिंपल इफ मतलब इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही इफ रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए माय एज इज ग्रेटर देन 18 देन आई एम एलिजिबल फॉर वोट, ओके, बट देयर इज नो कंडीशन फॉर अदरवाइज। इफ माय एज इज नॉट ग्रेटर देन 18 देन व्हाट विल हैपन, देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो स्टेटमेंट फॉर दिस, ओके। दैट मींस अगर मेरा एज 18 से बड़ा है तो मैं वोट देने सकूंगा, ये तो है, लेकिन नहीं होने से क्या होगा, इसका जो स्टेटमेंट है यहाँ में नहीं होगा, इसका कंडीशन यहाँ में नहीं होगा। इसके बाद में सेकंड होता है इफ विथ एज। इसमें क्या होता है, सेकंड वाला कंडीशन होता है अगर मेरा एज 18 से बड़ा है तो मैं वोट देने सकूंगा, अगर नहीं होता है तो वोट देने नहीं सकूंगा। तो ये जो कंडीशन है सेकंड वाला में आता है इफ विथ एज। थर्ड वाला होता है एल्स, एल्स इज एलिफ लेटर, इसको हम लोग बोलते हैं एलिफ लेटर। एलिफ लेटर को क्या होता है हम लोग फर्दर क्लास में सीखेंगे, जहाँ में दो से ज़्यादा कंडीशन होता है वहाँ में एलिफ लेटर का यूज किया जाता है। इसके बाद चार नंबर होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मीन्स एक इफ का अंदर में और एक इफ, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो ये भी हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं नंबर वन जो कि सिंपल इफ है, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिख के रखा है सिंपल इफ एग्जाम्पल। तो सिंपल इफ का एग्जाम्पल मैंने दिया है, मतलब हम लोग का एज जो है चेक करना है वेदर वी आर एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल दिया है एज, जिसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया है। फ्लोट में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हम लोग का जो एज है वो मान लीजिए किसी का एज 25.3 या 25 years 3 months ऐसा हो सकता है, तो पॉइंट जहाँ में आ जाएगा, डिसिमल प्लेस जहाँ में आ जाएगा वहाँ में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फ्लोट देना पड़ेगा। इसके बाद मैंने एज स्टेटमेंट का यूज किया है एंटर योर एज, तो यहाँ में एज एक्सेप्ट हो गया। दैट एज इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो टाइम दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसको हम लोग एक ही यूनिट बोलेंगे, ठीक है, इसको बोला जाता है रिलेशनल ऑपरेटर, इसको हम लोग एक ही यूनिट बोलेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू दैट मीन्स द एज ऑफ दैट पर्सन कैन बी ग्रेटर देन और कैन बी इक्वल टू 18, अगर होता है तो क्या होगा, एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन अगर ये नहीं होता है, मान लीजिए बड़ा नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, तो क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा के लिए यहाँ में कोई भी कंडीशन नहीं दिया है। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल इफ। तो अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि सिंपल इफ विथ एल्स क्या होता है, एलिफ लेटर क्या होता है और नेस्टेड इफ क्या होता है।